Faisal bhai, this is Fahad here. Sir, I'm from India. My age is about 42 years old. I have about close to 12 years of work experience in system admin, and then about 6 years in system admin, and then 6 years in information security, primarily Good. Into ISO 27001 audits. I was working with Microsoft. Initially, I started my career with Microsoft. So I was supporting their Windows 98 and then all the way to Windows XP. And then I switched to Fidelity Investments. I have about close to 10 years of work experience with Fidelity Investments. In that, I have 6 years, about 4 years in help desk, IT help desk. And from there, I switched to a system admin job. And from there, I moved to information security. I about 6 years of work experience in information security, primarily into audits based on ISO 27001. Gigi, good. It's good, mashallah. Due to some which personal, reasons, ke wajah se, I had to quit my job in the year 2014. I had to come back to my hometown. And since then, I've been in my hometown taking care of my family business, which is agriculture. So there is a 10 years of gap as well. And now I've been following your videos, your, all your guidance. I've been in on your question and answer things for almost a month now. Today has been a lucky day for me that I've been and there is no such thing as luck. Yaar, West mein luck ka concept hota hai. Luck Islam mein nahi hoti. Anyway, So, sir, I'm now I'm interested in the DCCS with DCCS karke. I get on to a remote job and देखो भाई 2000 देखो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी एज कितनी है 40 42 सर 42 right जी. So there are a couple of things you have to do. Last qualification क्या थी आपके पास? Bachelor's किया था क्या किया? Sir, bachelor's किया था BCA, Bachelor's of Computer Application. हाँ, बहुत time हो गया उसको, ठीक है ना? Whatever the case जी, is. जी. आपको 2014 से गैप है, 2014 से लेकर अभी तक तो दुनिया पूरी तब्दील हो चुकी है, ठीक है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल. तो हाँ, तो ऑलमोस्ट यानी कि 10 साल हो गए हैं, ठीक है? मेरा मशवरा है आपके लिए कि आप जो है ना, दुनिया बिल्कुल चेंज हो गई है. आप साइबर सिक्योरिटी एज अ कोड है, जीआरसी एज अ कोड है, इफ आई से एज अ कोड, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, थिंग्स विल बी वेरी डिफरेंट फॉर यू. बिकॉज आप वो डेटा सेंटर्स में जो काम करते थे, आप डेटा सेंटर्स नहीं है, अब सारे सिस्टम्स क्लाउड में. दे आर स्टिल द सेम थिंग बट दे आर सीन डिफरेंटली, दे आर ऑडिटेड डिफरेंटली, राइट? सो मेरा मशवरा है आपके लिए कि आप अपने आप को इसी तरह रखें साइबर सिक्योरिटी में, लेकिन अपने आप को एआई के साथ इन्फ्यूज करें. और कोशिश, अगर फैमिली है, कितनी बड़ी फैमिली है? बीवी बच्चे हैं, कौन है? जी बीवी बच्चे हैं, तीन मेरे को हैं, अपने बेटे भी हैं. अच्छा, तीन बेटे भी हैं. अगर कर सकते हो, एक पाथवे है, यूएसए जाने का पाथवे भी है, यूएसए में भी जा सकते हो. अगर एआई ऑप्स की छाप लग जाती है, इसी तरह पूरे प्रोफाइल के साथ ईबी वीजा भी अप्लाई कर सकते हो. ईबी वीजा ना, अगर एआई ऑप्स पूरा खत्म कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो और ना साथ में यूके यूएसए में कोई मास्टर्स में, बेशक कोई थकी हुई यूनिवर्सिटी में ले लो, इट डजंट मैटर. लेकिन जो स्टीम के अंदर आती हो, जिसका स्टीम में आता हो ना, तो उसमें आपको फायदा ये होगा कम अज कम कि आप जो है ना अपना काम शुरू कर सकोगे. जैसे ही करोगे तो 1+2 या 2+1 का वर्क परमिट मिले, ठीक है? साथ में फिर H1B वीजा मिल ही जाएगा, क्योंकि तुम्हें स्पॉन्सर मिल जाएगा. ना भी मिले तो भी EB वीजा फाइल कर सकोगे, ठीक है ना? तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, ठीक है ना? द ओनली डिफरेंस इज के द ओनली कैवियट इज के अब दुनिया तब्दील हो गई है बहुत ज्यादा ना, सही है? लेकिन वो सारी चीजें आप एआई ऑप्स में सीखते हुए आ रहे हो, करते हुए आ रहे हो. अगर सारी चीजें कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, तो यूएसए एक अच्छी जगह. यूएसए जाने से पहले पहले यहाँ से मिडल ईस्ट भी जा सकते हो, और फिर मिडल ईस्ट से यूएसए निकल जाओ, ज्यादा बेहतर है. इंडिया में हालात आज नहीं तो कल मुसलमानों के लिए बहुत खराब होने वाले हैं, ठीक है? जी सब, वो तो सब देख ही रहे हैं. वो अभी आपको नजर आना शुरू हो रहा है,
मैं अपने घर में अपनी जो नॉन मुस्लिम काम करती हैं उनसे बोलता हूँ कि आप उसी स्टेट की गुजरात की जहाँ से मोदी है, तो वो बोलती है कि भाई आपने तो हमारे साथ बड़ा अच्छा ख्याल किया फैसल भाई, और ना हमें अफसोस है कि हम मुसलमानों हमने मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं किया। मैंने कहा उसमें आप भी थी? तो कहती कि नहीं मैं नहीं थी, लेकिन मैंने करते हुए देखा है, लेकिन मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि मुसलमान इतने अच्छे हैं कि आप जिस कमरे में मैं काम करती हूँ आप उधर आते भी नहीं है। ये मैंने कहा भाई ये इस्लाम है, मुझे नहीं पता तुम्हें वहाँ क्या दिखाया क्या नहीं दिखाया। मैंने कहा एक अलग बात है कि हम पठान भी हैं, हमारे घर में माहौल थोड़ा ज्यादा सख्त है, ठीक है ना, तो वो भी चीजें आ जाती हैं, लेकिन दिस इज व्हाट इस्लाम इज ऑल अबाउट। बट एनी वे द पॉइंट इज के ना जो दुनिया में फलस्तीन में हो रहा है आज नहीं तो कल मुसलमानों के साथ यहाँ पर भी होगा, वो सिर्फ अपने ना उसका इंतजार कर रहा है इलेक्शन का ना। इलेक्शन शुरू होने वाले हैं और जैसे इलेक्शन खत्म होंगे वो ऑलरेडी इतनी तैयारी कर चुका है कि वो ये सारे काम करेगा, और वो जो मुसलमानों का इन्फ्लक्स है ना फिर वो आउटपोर होगा पाकिस्तान में बांग्लादेश में इधर उधर, ठीक है ना। तो आप लोगों के पास अभी मौका है, आप अपने आप को कोशिश करके, और इसको पूरे होते होते ना ये एकदम से नहीं कर सकता, उसको भी मालूम है, और ही इज वेरी स्मार्ट गाय मोदी, तो ही इज कैलकुलेटेड है ना बहुत, ये कैलकुलेटेड लोग हैं, तो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि किस टाइम पे हमें काम करना चाहिए, क्योंकि उसने देख लिया मुसलमानों की जितनी ज्यादा करो कोई मदद करने नहीं आए कुछ नहीं करने आए, ठीक है ना। तो क्योंकि दुनिया में निजाम है ये, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि कुफार हमें आ आके मार के खा रहे होंगे, दावत दे रहे होंगे कि आओ और आओ बैठो उनको खाओ, ठीक है ना, उनको कत्ल गारत इनके साथ करो। तो साहबा ने फरमाया कि क्या हम अपने हदीस का मफहूम इस तरह से तादाद में कम होगा, तादाद बहुत होगी मगर तुम्हारे दिलों में अलवाहन उतर जाएगा। अलवाहन साहब ने कहा क्या है? ने कहा अलवाहन ये है कि तुम लोग जो है ना दुनिया से मोहब्बत करोगे और डरने से जो है ना और मौत से तुम्हें डर लगे। तो मुसलमान जो है ना हमें और ना इंडिया के मुसलमानों में एक बड़ा बड़ा डिफरेंस है, मैंने देखा है हमेशा पाकिस्तानियों में और इंडियंस में ना, दो मुसलमान है, मुसलमान दोनों है, इंडिया के मुसलमान बेचारे बहुत सीधे साधे हैं और डरते भी, ठीक है ना, क्योंकि उनको रखा है इस तरह से। पाकिस्तान के मुसलमान जो ना वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते खड़े हो जाते, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि आप किस शहर से हैं, दिल्ली से हैं, कहाँ से हैं, किधर से हैं, हैदराबाद से हैं? मैं साहब भोपाल से हूँ, मध्य प्रदेश, भोपाल से हैं, ठीक है। तो मेरा मशवरा आपके लिए है कि ना आप अपने आप को प्लान करें अपने आप को निकालने के लिए यहाँ से, जो ना आप यूएस भी जा सकते हैं, आप कैनेडा भी आ सकते हैं, आपको पूरा प्लान करके वो करके सब कुछ करना होगा। आसान तरीका स्टूडेंट वीजा है, अगर आप स्टूडेंट वीजे पे आते हैं, आपकी वाइफ आती है, अगर आपकी वाइफ कनाडा स्टूडेंट वीजे पे आती है, ठीक है, तो आपको वर्क परमिट मिल जाएगा फुल टाइम काम करने का, और क्या चाहिए, ठीक है ना। फिर आप अपनी तैयारी, लेकिन वो सारी एजुकेशन अपग्रेड करके आओ, क्योंकि वहां पर इंडिया में पढ़कर पढ़ना आसान है, यहाँ हो गए ना पढ़ने का टाइम कम होगा क्योंकि यहाँ काम भी करना होगा, ठीक है ना जी। नहीं भूल, तो यहाँ एक दफा निकल गए फिर वापस नहीं जाना, ठीक है ना, क्योंकि वो जगह अभी वहां पर बहुत मुश्किल हालात आने वाले हैं और वो आएंगे, ठीक है ना, वो अभी देखेंगे आप लोग, क्योंकि अभी आहिस्ता आहिस्ता मसाजिद को पकड़ के जलाया जा रहा है, गिराया जा रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग दैट, वो सप्रेस करेंगे और वो सप्रेशन चलेगा। तो आपके अगर आपको एक साल में होगा, दो साल में होगा इवेंचुअली होगा, तीन साल में होगा, पांच साल में तो बिल्कुल तबाही हो जाएगी ना, वो होने वाला है, ठीक है ना। तो आपके पास मौका है कि आप अपने आप को पहले वहां से निकाल, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर आपने ये अभी से स्टेप लोगे ना साल लग जाएगा आपको करते करते कम से कम, बिकॉज कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है ना, कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ ये जरूर है कि अगर आप इंडिया के लोग ना मेहनती बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो अगर आप जोर लगाएं मेहनत करें सब कुछ करें तो हो सकता है इतने पैसे जमा हो जाए कि यार और इतना काम आ जाए कि मिडिल ईस्ट में फॉरन जॉब मिल जाए तो निकल जाओ, वहां से निकलने के बाद फिर वहां से बैठ कर नेक्स्ट पोजिशन अप्लाई करो नॉर्थ अमेरिका या यूरोप के लिए, तो वहां से निकल जाओगे खत्म, वहां जाके एक दफा बैठ गए फिर बैठ के अपना काम करो, ठीक है ना, ये तुम्हारे लिए आसान होगा, क्योंकि और कोई रास्ता आपके पास बचेगा नहीं कहीं और जाने का ना। अंदर आने वाले वक्तों में हालात क्या होते हैं अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है ना। मुसलमानों के हालात अभी ये है कि कत्ल गारत हो रही है और हम बैठ के ये डिस्कशन कर रहे हैं कि गधा हराम क्यों और लहसुन हलाल क्यों, ठीक है, सही है, दिस इज अ बिगर प्रॉब्लम। तो अभी इंडिया में भी ये होने वाला है और मैं बहुत ज्यादा खुसूसी दुआ करता हूँ और पकड़ पकड़ के मुसलमानों को बोल रहा होता हूँ कि भाई अपनी लेकिन कितने लोग निकलेंगे, बात ये भी है ना, हर कोई तो नहीं जा सकता ना भाई, लेकिन बिल्कुल सब सही है। वक्त बहुत मुश्किल आने वाला है मुसलमानों के ऊपर, अल्लाह ताला आसानी फरमाए, खैर आफियत के मामलात फरमाए, जो लोग निकल सकते हैं वो निकलें,
जो लोग नहीं निकल सकते उनको या तो पाकिस्तान में उतरेंगे या फिर वो इंडिया बांग्लादेश में जाएंगे, और तो कोई रास्ता नहीं है उनके पास, और कहाँ जाएंगे, चाइना तो नहीं आने देगा ना, ईस्ट है या वेस्ट है, साउथ में तो समंदर है और क्या है, ठीक है, तो ये ऊपर चाइना, नॉर्थ में चाइना बैठा हुआ है, तो अल्लाह ताला बस मुसलमानों के लिए आफियत का मामला फरमाए, और बड़े मजबूत मुसलमान है, अच्छे मुसलमान है, लेकिन बस वही है कि दे नीड अ डायरेक्शन। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप अपने लिए तैयारी करें, और आपको साल लगेगा, एआई ऑफ्स पढ़िए, एआई ऑफ्स से फायदा ये है आपको कि साइबर सिक्योरिटी आपके पास है, जीआरसी का स्किल है आपके पास, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेवऑप्स सिस्टम्स में काम आ जाएगा, आपके पास ऑलरेडी सिस्टम डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, देखिए एडमिन का एक्सपीरियंस है, अगर लिनक्स पे काम आता है बहुत अच्छा है, तो जल्दी सेटल हो जाओगे यूएस के, ठीक है जी। लिनक्स पे तो नहीं आता, मोर ऑफ विंडोज एडमिन की जॉब थी मेरी। हाँ वो तो पुरानी हो गई ना विंडोज, तो आप जी जी वो तो ऑब्सोलीट है सब अभी, आई मीन आई नो माय सेल्फ, यू नो देयर इज नो पॉइंट स्टार्टिंग, आपको रीइन्वेंट करना पड़ेगा, रीइन्वेंट करना पड़ेगा बिल्कुल, वो जो 10 साल का गैप है उसको, हां 10 साल का जो गैप है ना, 10 साल का जो गैप है उसको आप फिल करोगे उसके जरिए कि आप जो है ना अपना बिजनेस कोई दिखाओ कि मैं कंसल्टिंग कर रहा था या जो भी कर रहा था, वी विल टॉक अबाउट दोस थिंग्स लेटर ऑन, बट यू हैव टू प्लग द गैप इंशाल्लाह, दैट इज समथिंग वी कैन हेल्प यू, बट आपको पहले अपने आप को रीइन्वेंट करके जल्दी से निकलना है, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू।